अंबेडकर वार्ड स्थित भगवानी बाई केवलराम श्री झूलेलाल मंदिर में हर साल की भांति श्री झूलेलाल चालीसा महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जो कि 23 जुलाई को प्रारंभ हुआ है एवं 31 अगस्त को 40 दिन पूर्ण होने के पश्चात इसका समापन किया जाएगा। चालीसा महोत्सव में रोजाना सुबह शाम आरती पूजा के साथ इष्ट देव के जयकारे भी लगाए जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी आस्था प्रेमी आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। बताया गया है कि श्री झूलेलाल चालीसा महोत्सव का उद्देश्य करना यह है कि इष्ट देव भगवान से सभी परिवारों की खुशहाली के लिए कामना की जा सके, जिससे परिवारों के ऊपर कोई विपदा नहीं आए और खुशहाल जीवन चलता रहे। इसके लिए धर्म प्रेमियों ने 40 दिन का उपवास भी रखा है। इसी श्रृंखला में समितियों के सदस्यों ने शुक्रवार को चालीसा महोत्सव के अंतर्गत व्रत आयोजन करते हुए भगवान श्री झूलेलाल को 56 भोग भी अर्पित किए हैं, जिसमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोग लगाया गया है। इसमें आस्था प्रेमियों ने अपने घरों से अनेक प्रकार के पारंपरिक डिश तैयार करके इस आयोजन में शामिल करते हुए इष्ट देव को अर्पित किए हैं। आयोजन की श्रृंखला में बाहर से आए कलाकार पुनीत ने आकर्षक वेशभूषा में सजकर भगवान झूलेलाल की आराधना पर नृत्य करते हुए मनमोहक प्रस्तुति दी है। इसमें भक्तगण भी जमकर झूम उठे। इसके साथ ही महाआरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। कार्यक्रम के समापन पर सभी परिवारों की खुशहाली के लिए अरदास भी की गई एवं परंपरागत पल्लव पूजा भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल रहे। शामिल सभी भक्तगणों को महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही महिलाओं ने धार्मिक आस्था गीतों पर गरबा के साथ नाच गायन की सामूहिक प्रस्तुति भी दी एवं आराध्य देव श्री झूलेलाल देव की आराधना एवं इष्ट वंदना भी की। इसमें शामिल सभी सदस्यों ने काफी दिनों से इसकी प्रैक्टिस भी की। आपको बता दें कि सभी सदस्यों का इसमें एक समान ड्रेस कोड रहा। इस नाच गायन में शामिल ज्योति तलरेजा, राशि पमनानी, कनक तलरेजा, आरती पमनानी, अंशु रहदवानी, रिया गैलानी, पूनम पमनानी, काजल तलरेजा, नायरा जेठ मलानी, सोनम फागवानी, शोभा छत्री, मोना छत्री शामिल रहे। नाच गायन की प्रस्तुति से मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए एवं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा भी की। मीडिया टुडे के लिए पूजा जोशी की यह रिपोर्ट।